नेसा जी के को नमन करता हूँ। सतलुज हाई स्कूल भावानगर के इस वार्षिक समारोह के अवसर पर मंच पर मेरे साथ विराजमान डीडीसी मेंबर हरीश नेगी जी, ग्राम पंचायत सुंगरा के उप प्रधान श्री अजय नेगी जी व पंचायत के वार्ड सदस्य श्री रमेश नेगी जी व विनोद नेगी जी, भावानगर एजुकेशन एकेडमी के एमडी श्रीमती संगीता जी को इस वार्षिक समारोह पर प्रिंसिपल सब्जी की भावानगर एसएमसी के अध्यक्ष व सदस्यगण व सभी अभिभावकों ने जो हमें यहाँ पे बैठे स्वागत किया, इसके लिए मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और मैं इसी स्कूल के प्यारे बच्चों को भी बधाई देना चाहता हूँ। आज मैं इस वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं उन बच्चों को मुख्य अतिथि मानता हूँ जिन्होंने इस मंच पर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम दिए जो बड़े बड़े मंच भी दे सकते हैं। मैं इसके लिए इस स्कूल के प्रिंसिपल व शिक्षक लोगों को भी बधाई देता हूँ। मैं उन शिक्षकों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया और ऐसी तालीम दी जो इस मंच पर आकर इतना खूबसूरत प्रस्तुति प्रस्तुत किया और इस इतना भव्यपूर्वक बिल्कुल भव्यपूर्वक इन्होंने आज प्रदर्शन दिया। तो इस प्रदर्शन के लिए मैं आज के इस समारोह पर बहुत ही आनंदित हो चुका हूँ। मैं इसके लिए इस स्कूल के प्रिंसिपल सभी अध्यापकों को और अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं इन प्यारे प्यारे बच्चों के अभिभावकों से भी दो शब्द बोलना चाहता हूँ। एक मैं भी एक अभिभावक हूँ, मेरा भी बेटा है इसी स्कूल में पढ़ता है। तो अभिभावक में मैं दो ही बातें कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों के लिए इतने खूबसूरत बच्चे और इतना बहुत ही टैलेंट बढ़ा है इन बच्चों में, तो इसके लिए अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और उन अभिभावकों को भी दो शब्द कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों का फ्यूचर को देखें, क्योंकि हमारे ये बच्चे भविष्य है। तो स्कूल में तो सब कुछ नहीं हो सकता है, एक स्कूल में एक लगभग 7-8 घंटा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो स्कूल में पढ़ेगा तो उसके बाद जो 15-16 घंटा घर में जो पेरेंट्स के साथ जो बच्चे रहते हैं, तो उनको आप लोगों ने कैसा उनको माहौल देना है स्कूल का जैसा, वो सब आपके ऊपर। और आप लोग भी इन बच्चों को नहीं देखेंगे तो कौन करेगा। और माँ बाप का वैसे भी उम्मीद भी होता है, आशा भी रखते हैं कि लोग बच्चों के लिए माँ बाप सपने भी देखते हैं। अच्छी बात है सपना देखना, अभी आपका बच्चा कभी कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आपका IAS ऑफिसर, कोई HAS ऑफिसर, कोई IPS ऑफिसर, तो इसके लिए आपको सहयोग देना पड़ेगा। अगर आप अभी अपने बच्चों को समय देंगे या सहयोग करेंगे तो आने वाला भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। और मैं भी ये भी चाहता हूँ कि आप लोग अपने घरों में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दें, और जितना आप ज़्यादा सहयोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चे पीछे नहीं रहेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ आप सभी लोगों को, आप वैसे भी आज क्रिसमस का दिवस का मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी तरफ से अब 2-4 दिन में नया वर्ष भी आने वाला है, नया वर्ष का भी शुभकामनाएं देता हूँ सभी लोगों को। तो मैं इन बच्चों के हौसला बधाई के लिए अपनी तरफ से चलो छोटा सा गला भरा तो हम लोग दे नहीं पाते हैं, क्योंकि चलो 11,000 रुपये का धनराशि हम देने का घोषणा करते हैं। बाकी मैं प्रिंसिपल साहब मेरा तो मित्र है भाई, तो आपको कोई भी मेरे तरफ से या पंचायत की तरफ से कोई सहयोग चाहिए हो तो आप इस संकोच होकर मुझे कह सकते हैं, कि जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी सहयोग जो भी हो तो मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद। पब्लिक हाई स्कूल के प्रधानाचार्य श्री रामलाल नेगी जी का मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मुझे आज यहाँ शुभ अवसर पर आने का मौका दिया। और सुंगरा पंचायत के सभी मेंबर्स को भी मैं यहाँ आने के लिए स्वागत करते हैं, और यहाँ आए हुए सभी परिवारों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ
अपने बच्चों का प्रोग्राम देखने आए। मैं हमेशा यही कहना चाहूंगी कि बच्चों के लिए परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। बच्चों का सबसे पहला दोस्त होता है माँ बाप। माँ बाप और बच्चों में इतना तालमेल होना चाहिए कि बच्चे हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर करें। बाकी मैं इस स्कूल के लिए जितना भी तारीफ करूं कम है, क्योंकि मेरे बच्चे इसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। तब यहाँ पे कोई स्कूल, ये स्कूल भी नहीं था, एक कमरे में ही क्लास लगती थी। उस टाइम 30-40 बच्चे होते थे। सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि मेरी दिव्याक्षी नेगी ने 2004 में ही एडमिशन लिया है इसी स्कूल में। तो आज इस स्कूल को 19 साल पूरे हो रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाई करके बच्चे आगे गए हैं, काफी अच्छे पोस्ट पे भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई अच्छा है। इस बच्चों के साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि पेरेंट्स को भी बच्चों पे ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं, उससे ज्यादा टाइम घर पे भी है। बच्चों को प्रॉपर ध्यान दें आप लोग। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, मैं आज अपने आप पे बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मुझे यहाँ शुभ अवसर पर आने का मौका दिया। मैं दोबारा से यहाँ के प्रधानाचार्य जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद।